कोई? I want to testify that every day, every minute, God shows me that He is around me. और हर वक्त मुझे, हर रोज, हर वक्त वो मुझे याद दिलाते रहते हैं कि वो मेरे साथ हैं. In every action, He proves to me that I am watching over you. हर एक कार्य में मुझे देख रहे हैं और मुझे याद दिलाते हैं, साबित करते हैं कि वो मेरे ऊपर निगरानी रखे हुए हैं. He tells me that He is all the time loving me, caring for me. वो क्या दिलाते हैं, वो मेरे लिए मुझे प्रेम करते हैं और मेरी चिंता करते हैं. When I see the answers to my prayer, I really get encouraged. और जब मैं अपनी प्रार्थना का उत्तर देखता हूँ, मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ. But more than that, और उससे ज्यादा बढ़कर, When I see God answering my thoughts, I get more encouraged. जब मैं देखती हूँ मेरी जो मेरे विचार है, प्रभु उनका भी उत्तर देता है, तो मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ. Amen. So think carefully. इसलिए ध्यान से सोचिए. He will answer your good thoughts. वो आपके अच्छे विचारों का उत्तर देगा. He will really feel pampered. और आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा. You know, all of us in this world, we have a need that is love. और हर एक व्यक्ति के इस दुनिया में जो है उसका एक जरूरत जरूर है, उसका है वो है प्रेम. But we have tried to fill it with other things. लेकिन हम इसे दूसरी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं. That is why we are dissatisfied. इसलिए हम Anyone here dissatisfied with life after trying everything? सब कुछ कोशिश करने के बाद भी हम खुश नहीं रहते. कोई है यहाँ पे जो ऐसा व्यक्ति है, सब कुछ कोशिश करने, आपने हर चीज कोशिश करके देख ली, लेकिन आप खुश नहीं हैं अभी भी. क्या कोई है जो है जो सच्चाई दिखाना चाहेगा और अपना हाथ हिलाएगा? Just come to Jesus. आप सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के पास आइए. Jesus is not a religion. परमेश्वर यीशु मसीह एक धर्म नहीं है. He's a person. वो एक व्यक्ति है. And he is going to give you everything that you need. आपको जिस चीज की जरूरत है, हर चीज वो आपको जरूर देगा. Amen. That is why he came. इसलिए वो आए. He died on the cross. वो क्रूस पे मरे. And he rose again. और वो तीसरे दिन जी उठे. On the third day. तीसरे दिन. So that he can conquer every evil on behalf of us. ताकि वो हर उस बुराई के ऊपर विजय हो सके हमारे लिए. Anything that could have ever come against us, he has already overcome it. जो भी कुछ हमारे खिलाफ आ सकता था, वो उसके ऊपर विजय हो चुके हैं. He is like an umbrella which will always protect you from the rain of this world. और इस दुनिया की बारिश से बचाते हुए उस छतरी के समान है. Amen. It will be so foolish to hold an umbrella and just get wet in the rain. और ये कोई फायदे की बात नहीं है अगर हमारे पास छतरी है और बारिश में फिर भी हम हटा के उसको गीला हो जाते हैं. Just imagine yourself walking on the street holding an umbrella and not opening it. और अब सोचिए बारिश में जा रहे एक सड़क पे और अपने आपके हाथ में छतरी है, लेकिन आपने उसको खोला नहीं, इस्तेमाल नहीं कर रहे. It is the condition of those people who do not know what Jesus has done for them. और ये उन लोगों के उदाहरण का समान है जो वो नहीं जब पहचानते कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है. So those who are here for the first time, जो हमारे बीच में पहली बार है, I welcome you to House of Prayer. स्वागत करना चाहता हूँ प्रार्थना घर में. This is known as House of Prayer, means we believe in the power of prayer, and especially if it is according to His will, if He answers quickly. और अगर हमारी प्रार्थना का जो अनुरोध है उनके इच्छा के अनुसार है, वो जल्दी से जल्द उसका उत्तर देता है. To God be the glory for all the good things. महिमा परमेश्वर को सारी अच्छी चीजों के लिए. Let's turn to Matthew chapter 18. Today we'll see what God has to speak to us. और मत्ती किताब 18 में देखेंगे, हम देखेंगे प्रभु हमसे आज क्या बात करना चाहते हैं. You know, about the time, this is one of the my favorite topic and the passage. और ये मेरा सबसे प्रिय विषय है और बाइबल में से ये हिस्सा मुझे पसंद है. It makes life very simple. और ये पढ़ने से हमें हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है. It makes receiving from God very easy. और परमेश्वर से प्राप्त करना भी बहुत आसान हो जाता है. And also it speaks about what can stop your blessing. और ये भी दिखाता है कि हमारे विश्वास को क्या चीज रोक सकता है. Anybody had anything stolen from you? यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिसके आपके साथ कोई चोरी हुई थी, आपका सामान चुराया गया था. Anybody lost something? क्या है जो किसी ने कुछ खो दिया? You felt so bad. आपको कितना बुरा लगा होगा? Isn't it? So when we have already all the blessings laid out for us by God. जब हमारे पास प्रभु ने सब आशीषें पहले से ही दे दी हैं. Either we don't get it. हमें शायद हमारे पास पहुंचता नहीं. Or if we get it and it gets stolen. या हमारे पास आता है और लेकिन वो चुराया जाता है. We really feel bad. हमें बहुत बुरा लगता है. This passage also talks about. और ये वचन ये भी सिखाता है, हमें दिखाता है. How we can retain our blessings. किस प्रकार हम अपने आशीषों को बचा के रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं. Protect our blessings. हम उनको कैसे संभाल के सुरक्षित रख सकते हैं. How we can stay successful. हम कैसे सफल रह सकते हैं. The first in Matthew chapter 18 verse 1. मत्ती किताब 18 और उसके 1 में लिखा है. About that time disciples came to Jesus asking which of us is the greatest in the kingdom of heaven. और
प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके पास आए और आके बोला कि हमारे बीच में सबसे उन्नति उत्तम व्यक्ति कौन है। You want to be greatest in life. क्या आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में उत्तम स्थान में पहुंचे? Great job. सबसे अच्छा बेहतरीन नौकरी। Great marriage. अच्छा शादी बेहतरीन शादी। Beautiful children and बहुत great marriage. बच्चे और बहुत अच्छा विवाह आपका। Amen. No sickness. कोई बीमारी नहीं। No disease. कोई Always having money in the pocket. और हर वक्त आपके जेब में पैसे हों। That is great. वो बहुत अच्छा उदाहरण एक बहुत अच्छा परिस्थिति होगा। really अगर कोई आपसे पूछेगा उसका जवाब दे दोगे आप कैसे हैं? You can say, I'm really doing great. हम बोल सकते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। Amen. He said to be greatest in the kingdom. और उन्होंने बोला कि परमेश्वर के राज्य में अच्छा होने के लिए What you need to do. आपको क्या करना है? Jesus's answer was so beautiful. और यीशु मसीह का उत्तर जो था बहुत आसान था Jesus और बहुत सरल था। small child और एक छोटे से बच्चे को बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने over to him उनके पास बुलाया and put the child और बच्चे को ले आए among them उनके बीच में खड़ा किया। then he said उन्होंने बोला I assure you मैं तुम्हें कह देता हूँ unless जब तक you turn from your sins and become a little child जब तक तुम अपने पापों से मन नहीं फिराते और इस बच्चे के बालक के समान नहीं बनते you will never get into the kingdom of heaven आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करोगे। you know the more little child that we are inside जब तक हम जितना हम छोटे बच्चे बालक के समान अपने दिल में the more easy it is to receive from God और प्रभु से पाना उतना ही आसान है। just tell me one thing एक चीज मुझे जरूर बताइए if you till the scientist says till the child turns to 12 years of age और वैज्ञानिक बताते हैं जब तक एक बच्चा 12 साल का हो जाता है you tell them anything they believe it और कुछ भी उनको बता दो विश्वास कर लेंगे आपके ऊपर। you tell them that I can get you the moon they'll believe अगर आप तो अगर आप उनको बता देंगे मैं आपके लिए चांद लेके आ सकता हूं विश्वास जरूर करेंगे। you tell them I'll get you this toy tomorrow they'll believe it अगर वो कहते हैं कि आप मैं ये खिलौना आपके लिए कल लेके आऊंगा तो वो लेके आएंगे। scientists say till 12 years of age scientists बताते जब तक 12 साल की उम्र तक they can believe anything that you tell them कुछ भी विश्वास कर लेते जो आप उनको बताते हैं। now the children are little mature और आजकल के बच्चे थोड़े से जल्दी बड़े हो जाते हैं even 3-4 years of age they question do you really will get it और 3-4 साल में ही वो सवाल पूछने लग जाते हैं क्या है आप अपने वादों को पूरा करेंगे। so I believe during the time of Jesus the children were like the scientists like according to the scientific term they were you know believing till 12 years of age और यीशु मसीह के समय में मानती हूं जैसे वैज्ञानिक कहते हैं 12 साल की उम्र तक वो लोगों की बातों पे विश्वास करते so he got a child और छोटे बच्चे को सामने लेके आए have him stand in front of them उनके सामने खड़ा किया and then he said और उनको बोला you have to be like this little child to receive आपको इस छोटे बालक के समान बनना है प्राप्त करने के लिए। now the beautiful thing about a child is और एक छोटे बच्चे के बारे में ये अच्छी बात है when they came to this earth जब उस धरती में आए parents paid for everything बच्चों ने उनके जो मां-बाप ने सब खर्चे को पूरा किया। how many of you paid for your diapers or whatever when you came to this world कितने लोग जो पैदा हुए थे उन्होंने अपने डायपर खुद खरीदा। oh look at me I have mommy poko along with me और देखो बच्चे मैं अपने साथ डायपर लेके आया या पैंपर्स लेके आया। have you ever seen a child कि आपने छोटे बच्चे को देखा है came along with a bag of pampers और देखा अपने साथ वो पैंपर्स का बैग लेके आया हो। even the medical bill was paid for by parents और मां-बाप ने उनके हॉस्पिटल के जो बिल था वो पूरा किया या उनके दादा-दादी ने। Are you able to relate what I said? क्या बात को समझ पा रहे मैं जो बता रही हूँ? When the child came to this earth, जब वो बच्चा इस दुनिया में आया, parents take care of everything. हर चीज उनकी जरूरत को पूरा किया. Everything. हर चीज. It cries for milk. वो रोया अगर वो रोता है दूध के लिए. Doesn't know to clean himself. और अपने आप को साफ करना नहीं आता. Right? How many parents throw the child instead of the diaper? और कितने लोग अपने अगर जब वो गंदा करते हैं उसको डायपर की जगह बच्चे को फेंक देते हैं. As many times they dirty the diaper or the brand, we clean them and we put them new things. और जितना भी वो अपने उसको गंदा करें, वो हम उनको हर बार-बार साफ करते जाते हैं। What the child has, the beautiful quality of child. और बच्चों की ये खूबी क्या है? Is completely innocent. वो पूरी तरह शुद्ध है. And depends on the parents. और पूरी तरह माँ-बाप में निर्भर है. So when you come to God. और जब हम प्रभु के पास आते हैं you have to be so dependent on him. आपको पूरी तरह उन पे निर्भर होना है believing that he is capable of providing.
for anything and everything. और आपको पूरी तरह विश्वास करना है वो पूरी तरह आपकी सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है. He's your heavenly father. और वो आपके स्वर्गीय पिता हैं. And he knows what you want. और वो जानता है कि आप क्या चाहते हैं. And he is capable of giving you what you और वो इस बात की सामर्थ्य भी रखता है कि आपको दे दे. So many times if you have not got any answer to your prayer. और बहुत बार अगर आप प्रार्थना करते हैं और आपको उत्तर नहीं मिलता. Perhaps you're not ready to receive it. कहीं ना कहीं आप तैयार नहीं उसको प्राप्त करने के लिए. Or maybe it's not good for you. और शायद ये आपके लिए अच्छा नहीं. Maybe he has something better for you. और शायद उसके पास आपके लिए कुछ बेहतरीन है. So remember the innocence in a child. आप एक बच्चे की शुद्धता को याद करें. Jesus said. आप प्रभु यीशु मसीह ने बोला. If you want to be great in the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं. You have to have faith like a little child. और आपको एक छोटे बच्चे के समान विश्वास जरूरी है. Therefore, anyone who becomes as humble as little child is the greatest in the kingdom. और कोई जो इस छोटे बच्चे के समान दीन बन जाता है, नम्र बन जाता है, वो सबसे महान होता है परमेश्वर के राज्य में. You know, our behavior. हमारा जो व्यवहार है. Is always manipulated by the circumstances. हमारी परिस्थिति. क्या मेरी बात को मानते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो हमारी परिस्थिति पे बहुत बार निर्भर करता है. We always feel what the other person is going to think about. हम हर वक्त सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है. What is going to be my reputation? और मेरा क्या मेरी क्या हैसियत रह जाएगी. We are always concerned about what others feel about us. हम ये चिंतित है कि दूसरे हमारे बारे में क्या विचार रखते हैं. But if you see a little child, लेकिन अगर हम छोटे बच्चे को देखते हैं, they hardly bother about others. और दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं. They just enjoy. आप वो सिर्फ आनंद लेते हैं. लेकिन आप एक छोटे बच्चे के समान बन सकते हैं. We can always come to God. हम हमेशा परमेश्वर के पास आ सकते हैं. And pray. हम प्रार्थना कर सकते हैं. You know one thing about little children. छोटे बच्चों के बारे में ये forgive very easily. एक अच्छी बात है कि वो बहुत जल्दी माफ कर लेते हैं लोगों को. No matter what you do. आप कुछ भी करें. If you come back to them, आप वापस आते हैं उनके पास. They just don't remember what you have done. आप उनके साथ कुछ भी जो गलत किया हो वो उनको याद नहीं रखता. Amen. But about the elders, और जो बड़े लोग हैं, we have the diary maintained. आप वो जो है अपने पास एक बड़ा सा डायरी रखते हैं. We know the year, the time, and the moment, everything we record. और जो जिस साल गलत किया, जिस क्षण गलत किया, जिस मिनट गलत के हर चीज हम लिखे रहते हैं. You know, I tell my husband, और मैं अपने पति को बताता हूँ. और मुझे बहुत he doesn't even remember, but I recorded it. और मुझे याद है कि तुमने मेरे साथ ये बुरा किया था. उनको याद भी नहीं रहता. Have you ever faced it? क्या आपने इसका सामना किया? The other person has no clue. और उसको याद भी यहाँ पे कुछ भी शक भी नहीं. Other person has no idea what और दूसरे को पता नहीं कि इसको उसने क्या किया. But the other person is offended. लेकिन दूसरा बंदा उस पर बुरा मान के बैठा हुआ है. They have record of the wrong. और उनका उनके पास आपकी सारी गलती का चिट्ठा है. Now I'll tell you a beautiful story. और मैं आपको एक सुंदर कहानी बताना चाहती हूँ. Here, right here in this chapter. इस चैप्टर में. Are you ready to hear the story? क्या तैयार है इसको सुनने के लिए? This will open your eyes. ये आपकी आँखों को खोल देगा हमेशा के लिए. This will really, really open your eyes. ये आपकी आँखों को खोल देगा. Amen. Story of an unforgiving debtor's chapter, same chapter 21 verse. For this reason, the kingdom of God can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date. एक राजा के समान जिसने अपने खाता सब ठीक करने का निर्णय किया. With servants who had borrowed money from him. जितने नौकर उनसे जिन्होंने उनसे पैसे कर्ज लिए थे. In the process. और इस कार्य में. One of his debtors. एक कर्जदार. Was brought in who owed him millions of dollars. और एक व्यक्ति को ले आया गया जिसने उसको करोड़ों रुपए देने थे. He couldn't pay. और वो उसको चुका नहीं पाया. So the king ordered. फिर राजा ने. That he and his wife, his children and everything he has be sold to pay the debt. उसने आज्ञा दी कि उसके पास वो, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके पास सारी चीजें थी, सब बेचा जाए कर्जा पूरा करने के लिए. But the man fell down before the king and begged him, Oh king, be patient with me and I'll pay it all. और उस व्यक्ति ने राजा के सामने गिर के गिड़गिड़ाया और माफी मांगी और बोला कि मुझे समय दो, मैं सब वापस चुका दूंगा. Then the king was filled with pity for him. और राजा का दिल दया से भर गया. And he released him. और उसको छोड़ दिया. Forgave his debt. और उसके कर्जे को माफ कर दिया. But when this man लेकिन जब ये व्यक्ति left the king और राजा को छोड़ के आया, he went to a fellow servant who owed him a few thousand dollars और वो एक दोस्त के पास गया, एक नौकर जो उसके साथ काम करता था उसके पास कुछ हजार डॉलर का कर्जा था. He grabbed him उसको पकड़ लिया by the throat गले से पकड़ा and demanded
instant payment. और उसी वक्त सारे पैसे मांगे. Now I request two volunteers. Can two people come? और मैं दो volunteer को. Two girls will also do. Now I wanted to grab her throat and just shake her. और आप इनको पकड़ के गला दबाएं. Pay me back what you owe me. Pay me back what you owe me. Now this person is forgiven millions dollars of debt. और ये व्यक्ति का लाखों का कर्जा माफ है. चौकेगे फिर से उनका गला दबाइए. Pay me back. वापस दो. You know another translation. Thank you so much. Another translation says he only owed $50. और एक अनुवाद में ऐसा लिखा सिर्फ $50 का कर्जा था. He had $1,000 and here he has maybe $50 or $500. और यहाँ पे 50 और 500 शायद इसका कर्जा था. But this person was so merciless. लेकिन ये व्यक्ति दयालु नहीं था. He asked for instant payment. उसने बोला उसी क्षण पैसे उसको वापस चाहिए. His fellow servant fell down before him and begged for a little more time. और उसका जो same situation. से कर्मचारी था उसके सामने गिरा और माफी मांगा. Be कि patient मुझे with me. मुझे दया दिखाओ थोड़ा समय दो. I'll pay it. मैं इसको he पूरा pleaded. कर दूंगा. उसने मांगा. But his creditor wouldn't wait. और लेकिन जिसने कर्जा दिया था वो इंतजार नहीं करता. He had the man arrested. उसको उसने जेल में डलवा दिया. And jailed. और जेल में डलवाया. Until the debt was paid. जब तक कर्जा पूरा नहीं किया. When some of the other servants saw this. और दूसरे कर्मचारियों ने जब ये देखा. They were very very upset. और वो दुखी हो गए. They went to the king. और वह राजा के पास गए. Told him what had happened. उसको बताया कि क्या हुआ. Then the king called him. और राजा ने उसको बुलाया. The man. और उस व्यक्ति को. He had forgiven earlier. जिसको पहले माफ किया था. He said, "You evil servant." उसने बोला, ये तुम बुरे नौकर. I forgave you that tremendous debt that you had. इतना बड़ा कर्जा मैंने तुम्हें माफ कर दिया just था. Just because you pleaded. क्योंकि तुमने मेरे सामने गिड़गिड़ाया था. Shouldn't you have mercy on your fellow servants? क्या तुमने अपने सहकर्मचारी के ऊपर दया नहीं दिखाना था? Just as I had mercy on you. जैसे मैंने तुम्हें दया दिखाया. Then the angry king. और फिर जो राजा जो क्रोधित हो गया था. Sent the man to prison until he had paid every penny. और जेल में तब तक भेज दिया जब तक उसने सारे पैसे नहीं चुका दिए. While God was explaining me this parable. और जब परमेश्वर ये मुझे उदाहरण समझा रहा था. He explained to me this way that the king is God who is watching everything. और वो राजा उस परमेश्वर के समान है जो हर चीज पे निगरानी रखता है. He is the one he is going to settle the account and even we have to have a clear account before him. और वो जो है हमारे सारे खातों को देखता है उसको ठीक करता है. हमें उसके सामने एक साफ खाता रखना है. Because of Jesus he has forgiven our debts no matter what we have done in the past. और कुछ भी हमने अतीत में किया हो अपने पहले किया हो प्रभु यीशु मसीह कारण वो हमें माफ करता है. Instantly he forgave our sins. उसी क्षण वो हमें माफ करता है. But even after we got saved. और हमारे बचाए जाने के बाद भी. Many times when people offend us. और बहुत बार लोग जब हमें ठोकर दिलाते हैं. We don't want to forgive them. हम उनको माफ करना नहीं चाहते. You know, I believe the servants, those who are observing, are the angels. और जो नौकर थे यहाँ पे जो उदाहरण में जो हमारे ऊपर नजर निगरानी रखते वो स्वर्गदूत हैं. I feel personally that angels report to God if we don't keep right attitude with the people. और हमें लगता मुझे This लगता is है my, my thing, my idea. और ये मेरा विचार है कि स्वर्गदूत जो हैं हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं और हम परमेश्वर को जाके बताते हैं हमारे सारे कार्य को. Because Bible says in verse 10 in the same chapter. बाइबल बताती है 10वें अध्याय में उसी. Jesus is telling the disciples. और यीशु मसीह जो अपने चेलों को बता रहे हैं. Beware that you don't despise a single one of the little ones. देखो कि तुम इन छोटों में से किसी को भी तुच्छ ना जानो. For I tell you that in heaven. स्वर्ग में. Their angels are always in the presence of my heavenly Father. उनके जो स्वर्गदूत हैं हमेशा मेरे पिता के उपस्थिति में रहते हैं. I believe that everyone is assigned angels. हर एक व्यक्ति को एक स्वर्गदूत दिया गया है मुझे ये विश्वास है मैं जानती हूँ. But only they can avail it when we believe in Christ and our sins are forgiven. और हम उसी को उसका लाभ तभी ले पाते हैं जब हम अपने प्रभु को यीशु मसीह ग्रहण करते हैं अपने पापों से माफी मांगते हैं. So angels can report your wrongdoing to God. That's how I feel. और स्वर्गदूत जो है आपकी गलती को जो है प्रभु के सामने ला सकते हैं. So it is very good for us to come to Jesus as soon as we make a mistake and say sorry for what he has done. और जब हम
गलती करते हैं तो ये अच्छी बात है, हम जब यीशु मसीह के पास जल्दी आते हैं अपने पापों की माफी मांगते हैं। If we have done anything wrong towards anyone, अगर हमने किसी के लिए गलती की है, we must settle our account quickly. हमें अपने खाते को जल्दी ठीक करना है। For our own benefit. अपने फायदे के लिए। How? ऐसा कब कैसे कर सकते हैं? Let's read this next verse 35. It is very very important for you. आयत को पढ़ते हैं। That's what my heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sister in your heart. और प्रभु पिता आपके साथ भी यही व्यवहार करेगा अगर आप अपने बहन और भाई को माफ नहीं करते अपने दिल से। And in other words, और दूसरे वचन में, if you don't forgive other people's sin, your sins will not be forgiven. इसका अर्थ यह है कि अगर आप दूसरों के पाप नहीं माफ करते, आपके खुद के पाप माफ नहीं किए जाएंगे। If you make a mistake in office, anybody did a mistake in office? अगर आपका ऑफिस में गलती करते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपने ऑफिस में गलती कर चुका है। How eagerly you want that error to be covered? How many have like really? Oh my God! I hope my boss doesn't notice this. और कितने लोग ये चाहते हैं कि वो जो आपकी गलती माफ किया जाए, कोई उसके ऊपर ध्यान ना दे? कितने लोग ऐसे हैं? Oh, I just pray, Lord, that he just overlooks it. और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो उसके ऊपर निगरानी ना रखे, वो उनके ध्यान से हट जाए. Let his eyes just not fall on. और ऐसा हो कि उनकी नजर उन पे पड़े ही नहीं उस गलती पे. When we make mistakes, जब हम गलती करते हैं, we are very eager to be forgiven. हम बहुत इच्छुक होते हैं कि हमें माफ किया जाए and we feel very good. और हमें बहुत अच्छा लगता है उसके बाद. We really behave bad with people. हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं. Then we say sorry, please. उसके बाद sorry, sorry, हमें माफ करते हैं. And we expect that they will just forgive us just like this. और हमको लगता है कि उसी क्षण हमें माफ कर दें. Have you ever seen that you really hurt the person? और आपको कैसे आपके साथ हुआ है, आपने देखा आपने किसी को चोट पहुंचाया? But you want to just say sorry, just one word, and you want the person to forgive. और आप चाहते हैं कि आप एक वचन सॉरी बोलते उसी क्षण आपको वो माफ कर दे। But if somebody else has done something, और कोई किसी और व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाया हो, then they have to really do many things to please. और उनको बहुत सारी चीजें करने पड़ते हैं आपको खुश करने के लिए। Maybe flowers, maybe gifts, maybe kind words all the time. And 10 times sorry. और 10 बार सॉरी आपके लिए फूल, आपके लिए गिफ्ट या कुछ ना कुछ अच्छी चीजें। और फिर भी आपके जो है खाते में लिखा हुआ होता है। In due time you like in tell the person in the argument that you did that to me that day. और फिर भी जब आपका झगड़ा होगा तो सही समय पर आप निकाल के बोलेंगे देखो उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। Why we have different rules for us and for others? और क्यों हम दूसरे लोगों के लिए दूसरे नियम और अपने लिए दूसरे नियम रखते हैं? We want to receive mercy. हम चाहते हैं कि हम दया पाएं। But we don't want to give mercy. लेकिन हम दया नहीं देना चाहते। But God is a merciful God. लेकिन परमेश्वर एक दयालु परमेश्वर है। He knew. वो जानता था। If I don't put this condition in the Bible, अगर मैं ये नियम को बाइबल में नहीं डालूं, they will only ask for forgiveness and don't forgive others. और वो सिर्फ माफी मांगते रह जाएंगे और दूसरों से को माफ नहीं करेंगे। He said, if you don't forgive other people's, दूसरों को माफ नहीं करें, then your sins are not forgiven. आपके पाप खुद नहीं माफ होंगे। How many are able to remember few things as I'm speaking? कितने लोग कुछ चीज आपको याद आ रहा है जैसे मैं बात कर रही हूँ? Would you do yourself a favor and forgive the person? क्या अपने ऊपर आप एहसान करना चाहेंगे और दूसरों को माफ करेंगे? Even if you are rightfully wrong. अगर आपके साथ सही में गलत हुआ हो. Even if you did everything good and you did not deserve that wrong that is done to you. आपने हर चीज सही किया, अच्छा किया, लेकिन आपके साथ वो बुरा हुआ जो सही नहीं था. Because you want to be benefited. क्योंकि आप फायदा चाहते हैं. You have to forgive. आपको माफ करना है. Then you will receive everything in the kingdom that is available. और तभी आपको परमेश्वर के राज्य में हर चीज जो आपके लिए उपलब्ध है वो मिलेगा। And you will be known as greatest in the kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में महान जाने जाएंगे। Amen. Amen. Do you want to receive a really great freedom today? क्या आप महान आजादी चाहते हैं आज? From the hurts, the rejection, the bitterness. और सारी चोट, सारी ठोकर, हर चीज जो आपकी जिंदगी में हुआ। I would love to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। If you are the one, आज वो व्यक्ति हैं who has suffered bitterness, जिसने अपने जिंदगी में कड़वाहट का सामना किया हो, महसूस किया हो, मैं चाहती हूँ कि इसी क्षण आप खड़े हो जाएं, so that I can pray for your heart to be healed. कि मैं प्रार्थना करूं आपके दिल में चंगाई मिले. Even if your parents have hurt you, आप यहाँ तक कि अगर आपके माँ बाप ने आपको चोट पहुंचाया हो, Please forgive them. आप उनको आज माफ करें. Because of them you are here in this world. क्योंकि उनके कारण ही आप यहाँ पे हैं हमारे बीच में. If any person who came across your path and for you know hurt you, you forgive them. आप कोई भी आपके सामने आया और आपने आपको चोट पहुंचाया उनको माफ करें. Request you to stand. मैं चाहती हूँ फिर से खड़े हो जाएं. Anybody who wants to receive this prayer of healing of your heart. और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो अपने
दिल पे मरहम चंगाई के लिए प्रार्थना ग्रहण करना चाहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ खड़े हो जाएं। I will tell you one surprise thing that you will be very surprised to know। मैं आपको अचंभित करने वाली बात बताने जा रही हूँ। Many of your failure, आपकी जिंदगी में बहुत सारे हार जिसका आप सामना करते हैं, is rooted in the bitterness that you have carried till now। उसका जड़ उस कड़वाहट में है जो आपके दिल के अंदर है। Many of your failures, बहुत हार जो आप सामना करते हैं, is rooted, उसका जड़ उस चीज में है, in the bitterness that you're carrying from your past, आपके अतीत के वजह से आपके दिल में जो कड़वाहट है उसमें उसका जड़ है। Please remember the story of this king and the two persons who owed him। और ये कहानी को याद रखें, इस उदाहरण को जिसमें दो व्यक्ति जो कर्जदार थे, और उस राजा की कहानी याद रखें। Remember that when God, being so mighty and who has the capacity to destroy us, did not destroy us। और इस उदाहरण को, इस चीज को याद करें कि प्रभु जिसके पास सारी सामर्थ्य है, उनके पास ये सामर्थ्य है कि हमें नाश कर सके, लेकिन उन्होंने, वो हमें नाश नहीं करते। He gave his son so that we may inherit eternal life। हमें बेटे को इसलिए दिया कि तब कि हम अनंत काल की जिंदगी पाए। You know, he gave his son that because of his blood we can be healed। और उन्होंने अपने बेटे को इसलिए दिया कि क्योंकि बेटे के कारण हम चंगाई प्राप्त कर सकते, और उनके चोट खाने की वजह से हम फिर से जीवन प्राप्त कर सकते। फिर क्यों ना हम दूसरों के प्रति दया दिखाएं? All your failures, आपकी सारी गलती today you bring to God, आप प्रभु के सामने लेके आए, and repent for your bitterness and let go of it, आपकी कड़वाहट के लिए प्रभु से माफी मांगे और उसे जाने दें। Now listen to me carefully, मेरी बात ध्यान से सुने। How this progression happens from bitterness, और कड़वाहट से कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं? Actually is the root for unforgiveness, और ना माफ करने का जड़ कड़वाहट है। Then you have resentment, उसके बाद आपके दिल में जो है ठोकर होता है, आप किसी के लिए चीजें अपने दिल में रखते हैं। Then you start to retaliate, उसके बाद आप बदला लेने लगते हैं। After you retaliate, your retaliation turns into anger, और उसके बाद जब आप वापस बोलने लगते हैं, बदला लेने जाते हैं, अंदर क्रोध आता है, बढ़ता है। That becomes uncontrollable anger, which is known as wrath. और उसके बाद आपका जो क्रोध है बढ़ता है, एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाता है जिसको आप संभाल नहीं पाते। It takes the shape of hate. उसको फिर वो नफरत में बदल जाता है। And then hate becomes violence. और उसके बाद वो नफरत जो है शारीरिक या जो है झगड़े में चला जाता है। And then it turns to murder. और आखिरी में जाके वो खून के समान या हत्या के जैसा हो जाता है। All the murders that you see, हर एक खून जो होता है in this world, दुनिया में, is rooted in bitterness. कहीं ना कहीं वो कड़वाहट में उनका जड़ है। You know, even a mother sometimes doesn't want to bear a child and does abortion. और बहुत बार एक माँ जो है एक बच्चे को नहीं गोद लेना, वो अपने शरीर में रखना चाहती, इसलिए उसको गिरा देती है। और कहीं ना कहीं वो अपने दिल में उसके पिता के लिए कड़वा है, कड़वाहट है। You know, some bitterness somewhere leads to some kind of murder, spiritual and natural. और कहीं ना कहीं जब हमारे दिल में कड़वाहट होते है, उसका अंत कहीं ना कहीं हत्या में होती है, स्वाभाविक या आत्मिक। You may kill someone personally or you may kill someone spiritually. और एक व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से भी मार सकते हैं और अपने आत्मिक रूप से भी मार सकते हैं। You know, the things of the world, इस दुनिया की जो चीजें हैं, and things of the Lord, और परमेश्वर की जो चीजें हैं, are very different, बहुत अलग हैं। God wants you to be a child of light, परमेश्वर चाहता है कि आप एक रोशनी के संतान बने, so that he can bless you, कि आपको आशीषित कर सके, live a rich life, आप एक धनी जीवन जी सकते, not only financially, सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, health, अपने स्वास्थ्य में, in your soul, अपने प्राण में, in your spirit, अपनी आत्मा में। Amen. Amen. So today, if you don't deal with your bitterness, अगर आप अपने कड़वाहट का सामना नहीं करते, it can lead to murder. वो आखिरी में जाके हत्या में अंत हो सकता है। So today, I request you for your own benefit. आपके फायदे के लिए आपसे अनुरोध करती हूँ। You must let go of bitterness. आपको उसको जाना देना होगा। Close your eyes. अपनी आँखों को बंद करें। And think of all the people who have ever hurt you in life. और उन व्यक्तियों के बारे में सोचें जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको चोट पहुँचाया। Today is your day. आज आपका वो दिन है। Ask God to heal. प्रभु से बोलें कि आपको चंगाई दें। In a moment of time, एक क्षण में, I'll pray for you, but before that, I want you to come before God. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्रभु के सामने आएं। Just tell Jesus, और सिर्फ प्रभु को बताएं। That I'm sorry for all the sins that I have committed. सारे गलती जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। And I also want to forgive today. और मैं आज माफ करना चाहती हूँ। All those people who hurt me.